आज ही हमारे दरमियान वाइस प्रेसिडेंट जूनिया जी अली साहब, उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। बड़ा जबरदस्त खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है, जश्न बारह का आज सेकंड डे और लास्ट डे भी है बल्कि, और बड़ी कसीर तादाद हमें दिखने में यहाँ पर मिली। अली साहब से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, पूछते हैं वो क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम को। जी अस्सलाम वालेकुम, पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड में, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा खूबसूरत इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया है। देखें, जब से बहुत अरसा हो गया था कि स्टेट लाइफ में जो है इस तरह के सारे प्रोग्राम्स वगैरह बंद हो गए थे, जब हम लोग आए हैं, और हमारे ये मैनिफेस्टो का हिस्सा था कि जब हम लोग आएंगे और हम इस तरह के प्रोग्राम लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए करेंगे, और अहमद कमाल साहब को हमने ये सारा डेलीगेट किया था कि वो ये सारा कुछ अरेंज करें, उनका पहले भी एक्सपीरियंस है, और माशाल्लाह बहुत थोड़े अरसे में उन्होंने 2-3 प्रोग्राम इस तरह के अरेंज कर दिए हैं, और रिजल्ट आपके सामने हैं, लोग बहुत खुश हैं, लोग आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये इनके साथ कामयाब रहेगा और आगे भी चलता रहेगा सिलसिला, और अहमद कमाल साहब इस तरह ही इसको आगे लेके चलते रहेंगे। हमारी पूरी जो सपोर्ट है एज मैनेजमेंट की, वो कमाल साहब के साथ है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें और भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और एक कैलेंडर बनाएंगे हम जिसमें एक इवेंट्स जो हैं वो सारा होते रहें ताकि लोग एंजॉय कर सकें और हेल्दी एंटरटेनमेंट का उनको मौका मिले। अच्छा अली साहब, हमने फैमिली से बड़े कमेंट्स लिए हैं, लोग बड़े खुश हैं, हैप्पी हैं तमाम मैनेजमेंट पर, बल्कि वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि हर महीने में कोई एक आधा इस तरह। यार उसकी वजह ये है कि ये चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गई हुई थी। स्टेट लाइफ में अच्छी खासी लोगों की पॉपुलेशन रहती है, तकरीबन 2500 घर हैं यहाँ पे, तो उस हिसाब से कम अज कम भी हैं 10-12 हज़ार लोग यहाँ पे रहते हैं, इसलिए काफी लोग भी हैं, तो उनके पास कोई एंटरटेनमेंट का वो नहीं था, एवरीबॉडी यूज़ टू गो आउटसाइड एंटरटेन होने के लिए। सो नाउ वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड देम फैसिलिटीज राइट एट देयर डोरस्टेप, पीपल कैन कम इन एंड दे कैन एंजॉय, अपने घर से निकले आए, एंजॉय करें, सारे लोग मिले, और ये कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक एसेंस होती है कि कम्युनिटी बिल्ड की जाए और सारे लोग मिल बैठ के साथ। लास्ट में से कोई मैसेज को पैगाम देना चाहिए स्टेट लाइफ की जो फैमिलीज हैं उनके लिए? स्टेट लाइफ की फैमिलीज को एज मैनेजमेंट हम लोगों ने एक सिक्योर माहौल में बिल्कुल साफ सुथरी किस्म के एंटरटेनमेंट किया, जहां लोग फैमिलीज के साथ आ सकें, और इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा, इसको हम और बेहतर बनाएंगे। अगर हमें इस तरह ही उनकी सपोर्ट मिलती रही, लोग आते रहें, तो ये फंक्शंस बहुत बड़े भी हो सकते हैं जिस तरह बाकी सोसाइटीज में होते हैं, और इंशाल्लाह ताला हम इसको ईट लाहौर और उससे ऊपर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। एम साहब बहुत बहुत मुबारक हो जी, आज लास्ट डे है, देख रहे हैं जी बड़ी गैदरिंग, और इनामात की बात कीजिए, मोबाइल हम देख रहे थे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए, क्या कहना चाहेंगे आज के कामयाब प्रोग्राम के बारे में? सर, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेंबर्स ने हमें पूरा तरह सपोर्ट किया है, मैनेजमेंट ने मुझे पूरी तरह सपोर्ट किया है, ये इन सब की मोहब्बत है कि सब यहाँ पे आए हैं, और इनामात भी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हमारे पास इतने इनामात है कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करने का टाइम नहीं मिल रहा, हम ये रात के बेशक 2 बजे, मेरे पास कभी 100 के हिसाब से इनामात है जो हमने अभी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इंशाल्लाह इस तरह का इवेंट जो है अगर मैनेजमेंट ने सपोर्ट किया तो आइंदा भी होते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कोई मैसेज को पैगाम देना चाहेंगे सर ऑडियंस को, तमाम जितनी भी स्टेट लाइफ की है? मैं ऑडियंस को यही कहूंगा कि आए और अपनी कुर्सियों के ऊपर ज्यादा बैठे, जो आगे स्टेज के ऊपर एक बजमा लग जाता है उसे कंट्रोल करना मसला होता है, और बार बार फोर्स यूज करनी पड़ती है कि पीछे जाए नहीं। आपका इंशाल्लाह अगली बार हमारी सिटिंग अरेंजमेंट इससे डबल होगी, क्योंकि मैं समझती हूँ अगली बार इससे डबल लोग आएंगे, तो हम उम्मीद है कि हम और भी बेहतर और बड़ा अरेंजमेंट करेंगे, आप लोगों को बेहतर से बेहतर हम यहाँ पे इवेंट्स अरेंज करके देंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया।